हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ब्यूटीफुल सी लटकन बनाकर दिखाऊंगी। तो ये मैंने फैब्रिक ले रखा है, 3x3 का है, मतलब लेंथ ऑफ विड्थ इसकी 3x3 इंच है। ये मैंने दो फैब्रिक कट करके रखे हुए हैं, दो लटकन बनाऊंगी मैं इससे। मैंने इस फैब्रिक पे पेस्टिंग लगा के रखी हुई है, मुझे हार्ड चाहिए होगा। तो देखिए, मैंने डोरी ले रखी है। डोरी को हम यहाँ पे रखेंगे इसके किनारे पे, और यहाँ पे पहले हमें स्टिच कर लेना है इसको। दोनों डोरी को हम इस तरीके से टाँक लेंगे, तो मैं आपको इसे टाँक के दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद ये मैंने लेस ले रखी है इस तरीके की, और इस लेस से हम इसको पूरे पे कवर करना है। देखिए, हमें इस तरीके जैसे हमने शेप लगाया है, वैसे ही हमें इसके ऊपर ये इस लेस को लगाना है। इसी लेस से हम इसे पूरा कवर कर लेंगे। तो मैं आपको इसमें लगा कर दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हम किनारे से लगाना है इसमें लेस, स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम किनारे से हम इसमें लेस को लगाते जाएंगे। देखिए, मेरी हाफ इंच की लेस थी, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ से जो कॉर्नर है, वहाँ से हम घुमाते जाएंगे, और इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगनर है, अगर आप मशीन से सीधे नहीं लगा सकते, तो पहले आप इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें बिल्कुल किनारे से रखते हुए लेके जाना है, और इसके कॉर्नर पे हमें निडल को नीचे रखना है, और फैब्रिक को इस तरीके से हम घुमा देंगे, और लेस को भी हमें इस तरीके से घुमा लेना है, और इसको हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये जहाँ तक मैंने डोरी लगाई है, अभी मैं आपको वहाँ तक इसमें सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी, यहाँ पर हमें फ़िक्स कर लेना है। हम लेस को कट नहीं करेंगे, लेस को मैं इसके साथ ही रख के अटैच करूँगी, तो लेस में मैं कट नहीं करूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इतना लगने के बाद ये इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें जो है ये लेस को घुमा लेना है इस तरीके से, और इसके ऊपर भी हमें सेम ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है। तो मैं आपको इसके ऊपर रख के सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, बिल्कुल किनारे से रखिए, इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमने रखा, सिलाई लगानी स्टार्ट करी। यहाँ पे हम घुमा देंगे इस तरीके से लेस को। घुमाने के बाद यहाँ से हम इसके ऊपर पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको ये पूरे पे सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए, इसको हम ये जितनी भी कैबिंग है, उसको हमें इसी लेस से कवर करना है। ऐसे ही हमें दो पीसेस तैयार करने हैं। मैं भी आपको एक पीस पे बनाकर दिखा रही हूँ, दूसरे पीस पे भी हमें सेम ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेना है, क्योंकि इसके जो बैक वाला साइड रहेगा, उधर साइड पे भी हमें सेम ऐसे ही पीस चाहिए होगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये लेस को पूरे पे अटैच कर लेना है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए, थोड़ा सा जो जगह बच रही है, वहाँ पे हमें लेस को इसी तरीके से रख के पूरा कवर कर लेना है। ये देखिए, मैं इसे कवर किया। अब जो थोड़ी सी जगह बच रही है, वहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई करी मैंने। अब थोड़ी सी जगह पर हमें ये जो लेस है, उसे हमें कट कर लेना है, और इसको हमें राउंड में इसके ऊपर अटैच कर लेना है। तो बिल्कुल किनारे से लेस कट करिए, और इसको हमें इसे घुमा के फैब्रिक को इसके ऊपर लेस को अटैच कर लेना है। दो से तीन बार ये आप रख के अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये अटैच कर लिया है। सेम ऐसे ही दूसरा पीस भी हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए, इस पीस मैंने ये इसकी मिड में मैंने डोरी लगाई थी, तो इसको बनाने के लिए मैंने देखिए एक बटन ले रखा है। बटन के ऊपर हमें ये मोती को अटैच करना है। तो पहले हमें इसके मिड में इस बटन को टाँक लेना है। देखिए, इस तरीके से रखेंगे। अगर आप चाहें तो बस मोती भी टाँक सकते हैं, लेकिन बटन लगने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए मैंने ये लगाया है। देखिए, ऐसे टाँका, दो से तीन बारी हमें इसे टाँक लेना है। ये देखिए, ये फैब्रिक थोड़ा सा मोटा पड़ जा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें पेस्टिंग का यूज़ किया हुआ था इसके लिए। तो देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर रख के टाँक लेना है। ये देखिए, मैंने टाँक लिया है। अब जो हमारा मोती है, उसको हमें इसके ऊपर रख के अटैच करना है। देखिए, मोती को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, और हमें इसे दो से तीन बारी रख के टाँक लेना है। ये इसमें ये इसका लुक बहुत अच्छा आता है। देखिए, इस तरीके से रखा हमने, ये नीचे लेकर जाएंगे, और पीछे साइड पे ले जाके हम इसे यहाँ से दो से तीन बारी नॉट लगा देंगे।
ये देखिए यहाँ पे मैंने नॉट लगाया है, और जो दूसरा वाला पीस हमने जो तैयार करना है वो इसके ऊपर रख के हमें अटैच कर लेना है, और हमें कुछ नहीं करना। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे हमने दूसरा पीस इस तरीके से रेडी किया है, इसको हमें इसके बैक साइड पे रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि इधर मैंने कुछ किया नहीं था। तो दूसरा पीस भी हमें ऐसे तैयार करना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से ये ब्यूटीफुल सी लटकन बनके रेडी हो जाएगी। आप इस लटकन का यूज़ लहंगे में स्पेशली कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। आप ब्लाउज़ में बना सकते हैं, कुर्तीज़ में भी बना सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।